क्या डाउट है पूछ लो भाई, कुछ डाउट है यार कुछ। अरे क्वेश्चन तो नहीं, कंसेप्ट में डाउट है, क्वेश्चन कुछ पढ़ाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ पढ़ना है, देखो लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था आपने, कोई हमको नया ज्वाइन किया है? एक नहीं, ठीक मिनट प्रत्युष नहीं है आज। क्या पढ़ रहे थे आप? नहीं हो आज पहली क्लास? अरे भाई शांत हो जाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे बच्चों। अरे ठीक है, अरे हो जाओ शांत यार, बाहर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बच्चों? क्या ये सही फॉर्म है लिखने का? क्या क्या है? हाँ ठीक है ना, ये है सही फॉर्म। और सेकेंड क्या था? ऐसी और थर्ड क्या था? टू इयर्स नहीं था। क्या था? अरे 2 ईयर्स नहीं नहीं वेक्टर डॉट अरे ये था एस डॉट प्रोडक्ट था, यस ठीक है। एक और फॉर्मूला लिखवा था, एनर्थ सेकंड में चली गई किस पर, ये क्या था बच्चों? वेक्टर हाफ्स ए बाय टू एसएल क्या था आपका? यू प्लस ए अरे ठीक है ना, क्या था आपका? यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वेक्टर हाँ कह सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अरे आ गए भाई इसमें, ठीक वेक्टर ये तो लिखा होगा। ये चल रहा है। क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है बच्चों? जब कांस्टेंट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि तो रेयरली ये यूज हो गया आपके लिए, क्योंकि तो अभी आप 10th में नहीं हो या 9th में नहीं हो, ठीक है ना। तो ये कब वैलिड होगा? जब आपका ए क्या हो? कांस्टेंट। शायद ही आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए जेई वगैरह में जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हो, ठीक है ना। अगर आइसोलेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या यूज करोगे? और जब बच्चों वी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है? ठीक हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन समझना इसीलिए, अब ये देखो इसमें यूज होगा बहुत ज्यादा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? इसको मैंने इस पर मैंने क्वेश्चन कराया था, अरे याद है ना, सर मैंने क्वेश्चन कराया था डिफरेंशिएशन वगैरह का। और ए का एक और फॉर्म होता है बच्चों, ये तो कब यूज करोगे? हाँ जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तब यूज करोगे। दूसरा कब यूज करोगे? अरे क्वेश्चन कराया था बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू 108 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसमें क्या यूज किए थे? ये वाला यूज किया, ठीक है ना। तो ये आपके ठीक है ना फॉर्म, ये आपका ज्यादा यूज होगा बच्चों, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ही आपसे पूछेगा, ठीक है। एक और तरीका है, मान लो तुमको एस पता करना है बच्चों, तो क्या लिख सकते हो? डीएस का लिख दो बच्चों। बी क्या है बच्चों आपका? देखो बी क्या है आपका? डीएस डीएस बाई डीटी। तो डीएस क्या होगा बच्चों आपका? वी डीटी। तो आपको पता है ना भाई, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर तुम एस को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आ रहा है?
वी आ रहा है, वी को इंटीग्रेट करो क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा। ए क्या आ रहा है बच्चों आपका, डीवी बाई डी टी। ध्यान देना ये बच्चों डीएस क्या है आपका, चेंज इन पोजीशन देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट देगा। यहाँ पर ये क्या आएगा, डीवी क्या आएगा आपका, ए डीडी। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा बच्चों बताओ, क्या आएगा इधर, क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड कह रहा हूं। हाँ अरे डीवी क्या आएगा, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, अरे इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी क्या मानते हो यू, और फाइनल टाइम पर क्या मानते हो वी। हाँ अरे भाई डीवी का इंटीग्रल क्या होगा, वी। अरे डीएस का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स। तो डीवी का इंटीग्रल क्या होगा, वी। इसको जब रखोगे बच्चों, ये क्या है यू और ये क्या है वी, तो वी माइनस यू आएगा, मतलब क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगी, ना कि वेलोसिटी, क्या आएगी, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर ये जो आ रहा है चेंज इन पोजीशन आ रहा है बच्चों, चेंज इन पोजीशन क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। ये जो लिखे हो वास्तव में डीएस क्या है बच्चों, डीएस यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, डीएस डिस्प्लेसमेंट है। अरे डीएस क्या है तुम्हारा, पोजीशन में चेंज, और डीटी क्या है तुम्हारा, टाइम टेकन। पोजीशन में चेंज क्या है बच्चों आपका, अरे भाई वही तो होता है ना बच्चों आपका, ये वेक्टर यही क्या होता है तुम्हारा, अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बच्चों। ओके तो ये वास्तव में क्या है आपको, पोजीशन में चेंज दे रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा। इधर क्या देगा, ये डीवी क्या देगा, वेलोसिटी नहीं देगा, क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। अरे ठीक है ना भाई, अरे आ रही बात समझ में, ठीक है, यूज करेंगे ऐसा क्वेश्चन में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों मोशन इन ग्रेविटी, हेडिंग डाल लो मोशन इन ग्रेविटी। ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं इसमें, सब कुछ पढ़ा हुआ है तुमने। दीपेश भाई आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। मोशन अंडर ग्रेविटी, इन ग्रेविटी नहीं, अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, ग्रेविटी के नीचे, अम्मा है तुम्हारी ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी किसको कहते हैं बच्चों, हाँ हाँ कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं कहते, ग्रेविटी क्यों कहते हैं, हाँ एक ऑब्जेक्ट अर्थ होता है, या एक ऑब्जेक्ट वास्तव में कब यूज करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे से काफी बड़ा हो, मार्स पर भी चले जाओ तो मार्स की ग्रेविटी यूज करेंगे, ये थोड़ी अर्थी हो, ठीक है। तो वास्तव में क्या होता है बच्चों आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपका, अरे भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, अरे किससे दिखाते हो बच्चों, कौन से सिंबल से, हाँ मुझे जी कह रहे हो, क्या कह रहे ये जी, ठीक है ना, ओके। अब इसकी दो वैल्यूज होती है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो कौन सी लेंगे बच्चों, जरूरी नहीं 9.8 ही है, देखो फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, नहीं हो सकता क्वेश्चन मेंशन ना भी हो, ठीक है, जनरली नहीं होता है, ठीक है। देखो मेंशन किया है अच्छी बात है, ज्यादातर बच्चों को पता होता है, अब छोटे क्लासेस मेंशन होता है, मान लो उनको भूल गया। देखो फॉर एग्जांपल 4.9 अगर आ जाए, ठीक है, इसका मल्टीपल है बच्चों 9.8 का आधा है, 19.6 आ जाए तो किसका, इसका दुगना है। अगर ऐसे आ रहे हैं ना नंबर, क्या यूज करोगे आप, 9.8, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा आ जाए 20-30, ऐसा 5, ऐसा, ये क्या है बच्चों 10 के मल्टीपल है, तो क्या यूज करोगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना जो जी की वैल्यू है हम क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट मानते हैं, बट होता नहीं है बच्चों। आगे मैं ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो उसमें क्या होगा आपका, पोजीशन से भी भाई अर्थ पर भी सारे जगह पर कॉन्स्टेंट नहीं रहता जी की वैल्यू, पोल पर 10 होती है, यहाँ पर क्या होती है लगभग इक्वेटर पर 9.78 समथिंग होती है, ठीक है, हर एक पोजीशन पर डिफरेंट होती है, अर्थ के हर एक कोऑर्डिनेट पर डिफरेंट होती है, अरे ठीक है ना, बट वेरिएशन को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। हाइट पर भी जाओगे फिर भी क्या होगा, जी की वैल्यू घटेगी, स्पेस में चले जाओ भाई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, अरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो जी की वैल्यू बच्चों आपकी वेरी होती है, बट फॉर एग्जाम्पल 100-200 मीटर हम फेंक रहे हैं ऊपर,
तो उस केस में हम जी की वैल्यू लगभग कांस्टेंट मानेंगे। अरे ठीक है ना, तो लगभग कांस्टेंट मानेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये यूज हुआ इसका, जी की वैल्यू को लगभग कांस्टेंट मानेंगे, इसका यूज क्या हुआ बच्चों? हाँ क्या यूज हुआ? हाँ भाई क्या लगा सकते हैं, ये तीनों इक्वेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा फायदा यही हुआ, ठीक है ना। ओके तो बच्चों ठीक है, लिख लो मोशन ड्यू टू, मोशन अंडर ग्रेविटी लिखना, इन नहीं लिखना, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बाद ये लिखना मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बाद ये लिखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है जी, क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट में लिखना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया कभी क्या यूज करेंगे? अरे ठीक है, किसी को दिक्कत? बहुत ठीक है अथर्व भाई, टाइम से आ जाए करो, लेट हो गया, ठीक है। एक लाइन लिख लो बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी एज्यूम्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी एज्यूम्ड कॉन्स्टेंट फॉर स्मॉल हाइट्स, ग्रेविटी कॉन्स्टेंट फॉर स्मॉल हाइट्स कैन बी एज्यूम्ड फॉर स्मॉल हाइट्स, सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर ज्यादा ऊपर है तो ग्रेविटी बराबर, अब 100 200 देख, 100 200 मीटर है मान हाँ लो, 1000 एक एक 2 किलोमीटर भी हो गया फिर भी आपका वेरिएशन नहीं होता, बट मान लो 500 600 किलोमीटर ऊपर फेंक दिए तो क्या होगा, वेरिएशन होगा, इतना स्पीड हो, इतना किसी की पावर है नहीं, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, ओके क्वेश्चन लिखो। ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, देखो इसका यूज बच्चों हम प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करेंगे, वहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको, ठीक है। ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड यू, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड यू, फाइंड टाइम टेकन टू रीच, फाइंड टाइम टेकन टू रीच, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कॉमा करके लिखना, फाइंड टाइम टेकिंग टू रीच मैक्सिमम हाइट कॉमा मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तीन चीजें फाइंड करनी है, पहला है टाइम टेकिंग टू रीच मैक्सिमम हाइट, दूसरा क्या है बच्चों मैक्सिमम हाइट, तीसरा क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे ठीक है ओके, बहुत ही अच्छा है बच्चों ये क्वेश्चन, ओके इसका यूज देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करेंगे, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिखवा दिया है, ठीक है ना। ओके हाँ हाँ वर्टिकली ऊपर फेंका है, ठीक है ना, अगर ऐसे फेंकते तो मोशन, देखो मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं ना दोस्त, अगर ऐसे फेंकते तो क्या हो जाती है, मोशन इन 2D हो जाती है, अगर मान लो मैं आपको इधर फेंकू तो क्या होगा, मोशन इन 2D हो जाएगी, बट ऐसे फेंक रहा हूं तो क्या आएगा 1D, अपवर्ड ही फेंका गया, अपवर्ड वाला नहीं लिखा है क्या मैंने, लिखवाया है हाँ, तो फालतू में हो गया बच्चों, अरे क्वेश्चन लिख लिया भाई ना, हाँ, सॉल्व करो बच्चों, पहले निकालो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, पहले लिखो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये बचपन में किया होगा 9th में, नाइन अरे था यार तुमको तो कुछ नहीं पता है, ग्रेविटेशन में था, अरे मैं पढ़ाता हूँ भाई, डाउट कर रहे हो, अरे इक्वेशन एंड ऑफ जो मोशन है ना वही अप्लाई होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना बच्चों, यूज कैसे करते हैं ये पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा यूज करते हैं, देखो बच्चों
सबसे पहली बात जो है फिजिक्स के क्वेश्चन में क्या करते हो, क्या बताया इमेजिन था? हाँ इमेजिन तो करते, सही बात, सही बोल रहे हैं। क्या इमेजिन के अलावा क्या करते हो? फायदा करूँ हाँ डायग्राम बनाते हैं सब। हाँ और हाँ देखो यहाँ से बच्चों आप फेंक रहे हो सबसे पहले। हाँ सबसे माइनस यू टाइम निगेटिव में आ गया तुम्हारा। ग्रेविटी बच्चों किधर लगता है हमेशा? अरे ग्रेविटी किधर लगता है हमेशा? नीचे की ओर लगता है। देखो अब इसको इमेजिन करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, जस्ट इमेजिन नहीं करना है। यहाँ पर क्या है बच्चों, आप ये स्पीड से फेंक रहे हो। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ बच्चों? वहां पर जाकर आपका ऊपर जाना बंद कर देगा, तो मतलब क्या होगा, ये वी क्या होगा आपका? जीरो। अरे वी क्या हो गया बच्चों, दो बार दो गोले बना दिए। वी क्या हो गया आपका? जीरो। और एक्सेलेरेशन इनटू ग्रेविटी क्या है बच्चों आपका? जी है। और जी किधर लग रहा है? डाउनवर्ड, ठीक है ना। देखो बच्चों अब आपको क्या पता करना, बच्चों क्या पता करना है आपको? टी, ये पता करना है ना, ये तुमको पता है ना एक्सेलरेशन, यही तो है बच्चों एक्सेलरेशन। तो वी यू ए और टी कौन सा इक्वेशन लगेगा फर्स्ट? अरे भाई फर्स्ट में ही आ रहे ना वी यू ए टी, तो कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट। तो पहले ही आपको लिखना होगा नोन क्वांटिटीज क्या है। सबसे तो पहले क्या करना है आपको? डायग्राम बनाना है, फिर नोन क्वांटिटीज और अननोन क्वांटिटीज लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इक्वेशन हमको लगाना है। अरे ठीक है ना भाई। उसके बाद बच्चों आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे? अरे ये लिखोगे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखोगे? ये लिखोगे। अब ये वेक्टर फॉर्म में बच्चों इसको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले क्या करेंगे? लिखो नहीं आप, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? अरे बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं? कंपोनेंट कंपोनेंट नहीं करते सबसे पहले। हाँ अरे भाई सबसे पहले इसको स्केलर में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, उसके लिए क्या करते हो आप? एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, दूसरी क्या मान लो? नेगेटिव। कोई से भी मान लो उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप नीचे वाली को भी पॉजिटिव मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो वी क्या है बच्चों आपका? जीरो। यू बच्चों देखो ऊपर है, अरे फेक किधर रहे हो? ऊपर। तो यू आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे आप? प्लस यू। और एक्सेलरेशन किधर है बच्चों आपका? नीचे की ओर है, तो भाई नीचे वाली क्या बच्चों? तो टी क्या आ जाएगा बच्चों आपका? यू बाई जी। अरे आ जाएगा। अगर तुम नीचे वाली को क्या मानते? पॉजिटिव मानते, तो क्या होता बच्चों? या इधर तो जीरो लिखते, यहाँ पर क्या लिखते? माइनस यू। और यहाँ क्या लिखते? प्लस जी टी। तो अभी भी टाइम कितना आता है आपका? यू बाई जी आता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे जस्ट लाइक दोनों साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, बस वही तो हो रहा है ना, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी डायरेक्शन आप पॉजिटिव निगेटिव मान सकते हो सुविधा अनुसार, ठीक है। अरे आ गई बात समझ में? ठीक है लिख लो। दीपेश अथर्व आया समझ में भाई? यस सर। निकाल लो बच्चों मैक्सिमम हाइट निकाल लो, दूसरा पार्ट। मैक्सिमम हाइट निकाल रहे तो ये होगा, हुआ तो आप दोनों ने पढ़ा बेसिक मैथ्स? 60 पढ़ लेना, इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा। नहीं हो गया ठीक? अरे तुम्हारा तो होने वाला है, 1 घंटे बाद भी होने वाला है। अरे बच्चों देखो अभी क्या पूछा है तुमसे? टी नहीं पूछा तुम्हें, तुमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट। ध्यान देना मैक्सिमम हाइट बच्चों ये है,
अब यहां पर देखो ये क्या बच्चों, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही तो है, डिस्प्लेसमेंट ये ना बच्चों, तो ये क्या होगा आपका एस पूछा है। अब देखो क्या क्या बच्चों इंफॉर्मेशन गिवन है, वी यू ए और एस, तो कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड वाले नहीं, सेकेंड वाले में टी आ रहा है, वी यू ए एस कौन सा? थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, प्लस क्या है यू ए डॉट एस, हाँ ये ठीक है ना, ये स्केलर है बच्चों, ये क्या हो गया तुम्हारा जीरो, और ये क्या बच्चों आपका यू स्क्वायर। अब देखो ए डॉट एस क्या होता है बच्चों, ए एस कॉस थीटा, यही होता है ना बच्चों, ये स्केलर देता है। अरे ये वेक्टर नहीं है बच्चों, ये क्या देता है, स्केलर देता है, तभी तो स्केलर से ऐड कर रहे हो ना। ए डॉट एस क्या होगा, ए एस कॉस थीटा, एक्सलेशन बच्चों किधर है, नीचे, और आपका डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, रहे ना, दोनों के बीच कितना एंगल है, अरे भाई एस ऊपर है बच्चों और एक्सलेशन नीचे है, तो कितना एंगल है 180, तो एक्सलेशन कितना है बच्चों आपका जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा तुम्हारा, मान लो एच मैक्सिमम हाइट तुम्हारी, और यहाँ पर क्या लिखोगे कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है माइनस वन, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस टू जी एच, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा इसको नाइन एच, हाँ एच तुम्हारी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अरे ठीक है ना ओके। अब यहाँ पर देखो आप बचपन में इसको ये पढ़े हो कि सर एक्सेलेरेशन आप ऊपर जा रहे हो तो एक्सेलेरेशन निगेटिव मानते हो, ठीक है ना, उससे भी यही रिलेशन आता था, अरे पढ़े होगे ना, बट वो आपका हमेशा अप्लाई नहीं होता, ये हमेशा अप्लाई होगा बच्चों। ये क्या होगा जीरो इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका, इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा टू जी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों यू स्क्वायर, एच क्या आ जाएगा बच्चों यू स्क्वायर भाई, सेकेंड भी यूज कर सकते थे क्यों, हाँ देखो टाइम, टाइम जो टेकन मैक्सिमम हाइट पर कितना था बच्चों यू बाई टी था, तो सेकेंड इक्वेशन क्या था एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अरे इसमें भी क्या रखते बच्चों टाइम जगह रखते यू बाई जी रखते, उससे भी आ जाता, अरे ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट है तो बताना क्या लिख लिया, अरे भाई लिख लिया तीसरा बच्चों बताओ, तीसरा क्या था तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है, हाँ हाँ कितना देर वो हवा में रह रहा है बच्चों, जब आप फेंकोगे तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, आपने ऊपर जाने का टाइम निकाला है, नीचे जाने का भी टाइम इंक्लूड करना होगा, क्यों करोगे टू, नहीं सही है क्यों करोगे टू, आंसर सही है, क्यों कर रहे हो, तुम्हारी ओपिनियन है ना, हाँ भाई ओपिनियन है ना तुम्हारे, मैं कह रहा हूँ चार मिनट, हाँ बहुत सही रहे, ओपिनियन सही है बट ओपिनियन नहीं होता यहाँ पर ना, हाँ क्यों होगा तुम करो उसको, अरे यार कहानी बता रहे हो मुझे, मैथमेटिकली कह रहे हो प्रूव करो, देखो बच्चे दो तरीके होते हैं, बट यहाँ पर एस क्या हुआ है तू, एस लोगे तो नहीं आएगा, गड़बड़ आएगा,
देखो दो ही क्वेश्चंस बच्चों कर सकते हैं। देखो मैथ्स कितनी सुंदर है, देखो वास्तव में सुंदर है। ठीक, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना बच्चों? सेकेंडली क्वेश्चन, जब सोचो हमको वो टाइम पता करना है बच्चों जब ये लौट करके वापस आ रहा है, मतलब टी की वो वैल्यू पता करना है जब ये लौट कर वापस आ रहा है। जब लौट करके वापस आएगा, लौट करके वापस आएगा मतलब जब वापस आएगा तो क्या, तो बच्चों कौन सा टाइम होगा वो हमसे पूछा गया। जब वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। अरे भाई फिर से उसी जगह पर आ गया ना बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। ऊपर की डायरेक्शन क्या मान लो? पॉजिटिव। नीचे की क्या मान लो? नेगेटिव। और ऊपर की ओर आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों? ऊपर की ओर थी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे की ओर है। तो एस तो क्या हो गया बच्चों? 0। यू क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। यू इंटू टी। ए क्या है बच्चों आपका? निगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या इसमें टी टी कट कर दे? नहीं क्यों नहीं कट कर दे? ये सही बोलता है बट ये नहीं पता लगता क्यों सही बोल रहा है। नहीं, अच्छा इधर कर दे रहे हैं। यू टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी टी कैंसिल कर दे। कर हाँ अरे एक 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 और तो बचेगी ना, सकते क्या कर सकते हैं ऐसा? मान लो सर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको। अरे वेरिएबल को कैंसिल नहीं कर सकते भाई, टी वेरिएबल है ना, वेरिएबल कैंसिल नहीं कर सकते, बेसिक रूल है। कांस्टेंट को दोनों साइड आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। अरे ठीक है भाई, 4 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू मान लो आपका ठीक है ना, कुछ है मतलब। अब मान लो दोनों से क्या कर दो? 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ठीक है ना, अरे बात आ रही समझ में? हम वेरिएबल को नहीं कट कर सकते बच्चे, कॉन्स्टेंट को ही कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा? टी को क्या लेना होगा? कॉमन। तो क्या आएगा बच्चों? दूसरी बात ये समझो, ये क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितने सोल्यूशन होते हैं? दो सोल्यूशन होते हैं, तो एक को कट कर दोगे तो एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो गड़बड़ हुआ ना भाई, मैथमेटिकल पाप हुआ ना, कि दो सोल्यूशन निकलने थे तुमने एक ही एक को गायब कर दिया। तो टी कॉमन लोगे बच्चों क्या आ जाएगा? टी माइनस जी वाई टू, यही आएगा ना बच्चों, जी टी वाई टू सॉरी, इक्वल टू 0। तो ध्यान देना इसको ऐसे मैं लिख रहा हूँ, टी माइनस 0 ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। तो इसके दो सोल्यूशन आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? एक तो टी इक्वल टू क्या बच्चों आपका? 0। टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों? कब? नहीं, टी इक्वल टू 0 कौन सा टाइम है? इनिशियल टाइम है। हाँ ये कह रहा है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट कब 0 था? शुरुआत में 0 था। तो ये वाला टाइम लेंगे क्या? नहीं। दूसरा टाइम क्या देगा बच्चों? यू माइनस जी टी बाई टू इक्वल टू 0। तो टी क्या जाएगा बच्चों आपका? सॉरी जी टी बाई टू है ना, क्या देगा बच्चों? यू माइनस जी टी बाई टू इक्वल टू 0। तो ये क्या देगा बच्चों? टी इक्वल टू क्या देगा? 2u/g। सोचो, ये मैं इसीलिए कर रहा था मैथ सुंदर है कि भाई आपने कहा कि मुझे ये बताओ भाई, दो टाइम बताओ जहां पर क्या है आपका s0 है। तो इसने क्या किया? सिर्फ आपने ये टाइम नहीं दिया कि जब आपका लौट कर आ रहा है, ठीक है ना, उसने क्या कहा कि भाई सर जी दो टाइम पर आपका 0 है डिस्प्लेसमेंट, शुरुआत में 0 है इसीलिए टी की वैल्यू 0 आई। दूसरा कब है आपका? जब टी की वैल्यू क्या है? 2u/g। ठीक है ना? अरे यही बात समझ में? ठीक है, ध्यान देना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है। अगर मैं कहूँ आपसे, गाना भी है ना, सपोज मान लो यहां पर आपने फेंका, मान लो 4 मीटर की हाइट पर बच्चों पहुंच रहा है। अगर तुमसे पूछे भाई लौटेगा फिर भी एक बार क्या होगा? 4 मीटर की हाइट पर होगा। अगर तुमसे पूछे कि जब लौट कर आ रहा है तब कितना टाइम ले रहा है तो कैसे बताओगे? टोटल हाँ निकाल के देखो, जब आप वैल्यू रखोगे बच्चों, ये पर हाइट क्या है बच्चों आपका? तुम्हारा 4 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? 4 मीटर। क्या रखोगे?
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे रखोगे बच्चों, एस क्या तुम्हारा फोर, ये मान लो क्या है यू कुछ ही मान लो, इंटू टी माइनस क्या होगा बच्चों आपका हाफ जी टी स्क्वायर। अरे ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे ना, ध्यान देना ये क्या देगा बच्चों तुमको, दो वैल्यूज ऑफ टाइम देगा, एक तो टी वन देगा दूसरा क्या देगा टी टू देगा, ध्यान देना दोनों वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो कौन सा टाइम लोगे बच्चों, हाँ टी टू लोगे, टी टू क्यों लोगे कौन, अरे जो बड़ा वाला है वो लोगे, हाँ हाँ समझ गया। अरे मतलब देखो ये वाला टी वन बच्चों जो कम टाइम देगा वो क्या देगा, जब जा रहे हो तब शुरुआत में बच्चों कम टाइम लेगा नहीं लेगा, तो ये वाला टाइम क्या होगा टी वन, और जो लौट कर आएगा फिर से वो टाइम क्या होगा टी टू। अरे यार ये बात समझ में ठीक है ना, तो मैंने बताया था ना इसमें मैथ्स में आपका तो आपके इक्वेशन का मतलब होता नहीं, बट यहाँ पर क्या होता है मतलब होता है, जो दो वैल्यूज आ रही है क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये भी पता होना चाहिए। अरे आ रही बात समझ में, नहीं यार टी टू आ जाएगा डायरेक्ट तुम्हारा 4 मीटर पर, ये तो तुम यही कह रहे हो ना भाई, तुमने इस इक्वेशन में क्या रखा सिर्फ, हाँ तुमने रखा भाई मुझे दो टाइम बताओ जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 4 मीटर है, तुमने दो टाइम दे दिए, ये तो टी वन कब लेगा जब जाते समय 4 मीटर हाइट पर होगा, टी टू क्या होगा जब लौट कर आ रहा हो तब 4 मीटर की हाइट पर होगा, ठीक है ना। अरे यारी बात समझ गए ठीक है, तो ये वाला इसको भी नोट कर लेना अगर मान लो, ठीक है ना, ये वाला लिखा था ये वाला पेज लिख लो सर। ये लिख लेना, इसके बाद इसमें एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा उसको लिखना, उसके बाद में लिखना ठीक है, पहले ये लिख लो जल्दी से। अथर्व दीपेश भाई कुछ डाउट है, जग रहे हो, सो गए बेचारे, कोई कुछ बोला है, दीपेश भाई हो गया, अरे हो गया ना ठीक है। अच्छा कभी आपने एक चीज ठीक है ना एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी बॉडी को जितना तेजी से फेंको उतनी स्पीड से वापस भी आती है, ठीक है ना, इसका रीजन में वर्क एनर्जी में बता दूंगा आपको, ठीक है रीजन क्या है वर्क एनर्जी बता दूंगा, बट अभी ये समझो ये तो आपने पढ़ा होगा ना, यस एक्सपीरियंस किया होगा, जितनी तेजी से फेंको उतनी तेजी से चीज वापस भी आती है। अरे ठीक है भाई, अभी क्रिकेट वगैरह खेला है ना, अगर बॉल को ऊपर फेंको जितना तेजी से फेंको उतना तेजी से वापस भी आती है, ठीक है। अब देखो वेक्टर फॉर्म का बहुत ही शानदार यूज करेंगे बच्चों इसमें हम, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, v is equal to u plus at, देखो वेक्टर फॉर्म कितना यूजफुल है ये समझो, इसे आपने u से फेंका बच्चों अपवर्ड, मैं ये कह रहा हूं जितनी स्पीड से फेंक रहे हो उतनी स्पीड से क्या आएगा ये वापस भी आएगा, जब ऊपर आपने फेंका तो स्पीड क्या थी बच्चों अपवर्ड थी, जब नीचे आया तो अंतर क्या होगा, ये अभी स्पीड क्या होगी बच्चों स्पीड नीचे होगी, ऊपर की डायरेक्शन क्या तुमने मानी पॉजिटिव, नीचे क्या मानी नेगेटिव, तुमको क्या पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, तुमको ऐसा टाइम चाहिए बच्चों जब इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाए यू हो जाए और डायरेक्शन क्या उसकी नीचे, अरे भाई जब वापस आएगा बच्चों तो इसकी स्पीड क्या होगी यू बट डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड, ऊपर वाली क्या मानी तुमने पॉजिटिव, नीचे वाली क्या है निगेटिव, तो वी क्या होगा बच्चों, देखो वी ये आपकी क्या होगा बच्चों यू होगा क्या होगा फिर से सोचो माइनस यू होगा, अरे क्या होगा बच्चों ये माइनस यू,
और इनिशियल वाला क्या होगा? अरे यू होगा। और एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चों आपका? नीचे है, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे है, तो क्या होगा? इस जी टी को इधर ले आओ तो क्या होगा? जी टी। और माइनस यू इधर आएगा बच्चों, क्या होगा? प्लस यू, तो टू यू आ गया। टी कितना आ गया आपका? अरे वही आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है ना? तो दो तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आ जाए। आपने कंडीशन क्या लगाई पहले केस में? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दो टाइम पर जीरो होगा। दूसरे केस में क्या लगाया? कि जब वापस आ रहा है तो क्या होगा? उसी स्पीड से आएगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, डाउट किसी को? वगैरह सारे पार्ट इसके, ठीक है? इसका मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, यूज करेंगे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? ये वाला लिख लो। यहाँ पर देखो टी वन क्या लिखना है बच्चों, टी वन क्या लिखोगे आप? टाइम टेकन टू रीच 4 मीटर इन अपवर्ड जर्नी। क्या लिखना? टाइम टेकन टू रीच 4 मीटर इन अपवर्ड जर्नी। और T2 क्या होगा आपका? हाँ, जब वो डाउनवर्ड जर्नी लिखते हैं, ठीक है ना? अरे यार भाई समझ लो, यू स्पीड से मालूम तुमने फेंका है। T2 क्या होगा बच्चों? यहां से गया, ये टाइम होगा T2, ठीक है ना? T1 तो यहाँ पर डायरेक्ट टाइम होगा, T2 क्या होगा? वो टाइम होगा आपका। दो क्वेश्चन आपको कराने, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या लिख लिया? डायग्राम बना लेना, डायग्राम नहीं बनाया होता, बिना डायग्राम के अधूरा है। तुमको पता ही नहीं चले क्या लिखा था, तुम 1 महीने बाद देखोगे तो पता नहीं चले क्या लिखा था, क्यों लिखा था, तो पढ़ाया गया था नहीं पढ़ाया गया था। सिचुएशन को विजुलाइज करना बहुत जरूरी होता है। हो गया समझ? T2 भी लिख लेना। T2 क्या है? टाइम टेकन टू रीच 4 मीटर इन डाउनवर्ड। क्या हो गया? ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, चेंज कर स्लाइड। ठीक, देखो, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग of certain height. A ball is dropped from building of certain height. It takes a ball is dropped from a building of certain height. It takes 0.5 second. It takes 0.5 second to cross a window of 4.9 meter height. To cross a window of 4.9 meter height. Find height of window
फाइंड हाइट ऑफ विंडो, सॉरी हाइट से डेप्थ लिख लो, फाइंड डेप्थ ऑफ विंडो फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, फाइंड डेप्थ ऑफ विंडो फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, अब हाइट भी ले सकते हो, बट हाइट सही वर्ड नहीं हुआ, फ्रॉम फाइंड हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ विंडो फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? हाँ डायग्राम बनाओ, सबसे पहले क्या करो, डायग्राम बनाओ, विजुअलाइज करो। देखो ड्रॉप्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ, छोड़ दिया, उसका यूज क्या करो, छोड़ दिया, यू जीरो है। अरे ठीक है भाई, पहले इक्वेशन पहले क्या लिखो, ठीक डायग्राम बनाओ, फिर जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिखो। अरे लिखो तो भाई, क्या क्या चाहिए, क्या क्या लिखा है। देखो दोस्त मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, तुम सोचो कि आपको सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है, मैं यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन करा दूं, वहां पर नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान देना, बोर्ड नहीं है, प्रीवियस ईयर आ गया। विंडो की हाइट तो दे रखी है तुमको फ्रॉम बिल्डिंग। देखो कुछ ऐसा है बच्चों, मान लो तुम्हारा बिल्डिंग है, यहाँ पर कुछ उसमें खिड़कियां भी होती है ना, तुमने यहां से फेंका ऐसे, तो ये कुछ ना कुछ डेप्थ होगी ना बच्चों, मान लो एच डेप्थ है, और इसकी हाइट कितनी है बच्चों, इसको क्रॉस करने में कितना लेती हो, 0.5 सेकेंड। हाँ यहां से यहां पर आने में कितना लेती हो, 0.5 सेकेंड। अब आपको क्या बताना है, एच की वैल्यू बताना है, ध्यान देना, दो इक्वेशन बनेंगे बच्चों, दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन के बिना नहीं कर पाओगे। यू क्या है बच्चों आपका, जीरो, यहाँ पर लिख लिया करो। जी बच्चों क्या है नीचे आपका, जी की कौन सी वैल्यू लेंगे, 9.8 लेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर देखो, 4.9, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, देखो मैं ही करूंगा, इसमें आप क्या करो बच्चों, देखो मोशन डाउनवर्ड हो रही है, जी भी डाउनवर्ड है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डाउनवर्ड है, सब कुछ डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड क्या मान लो तुम, पॉजिटिव मान लो, अपवर्ड की मान सकते हो, तो सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, अरे उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो सोचो दो ही क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ये मान लो बच्चों यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है, टी, मतलब आपका विंडो के टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, टी। अभी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, एच, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट हमारा, एच, तो एच भाई, एस क्या होता है बच्चों, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। यू बच्चों क्या है तुम्हारा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट बच्चों किधर है तुम्हारा, नीचे है एच, तो ये तो है ना नीचे पॉजिटिव, लिखो नहीं भाई, क्या आवाज आ रही है दीपेश अथर्व, आ रही है, ठीक है, एच क्या होगा दोस्त, यू यूटी वाला टर्म क्या होगा, जीरो, ए तुम्हारा क्या बच्चों आपका, अरे नेगेटिव नहीं है, अभी क्या है, नीचे की डायरेक्शन क्या मानी है, पॉजिटिव, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। फिर बच्चों देखो आपका 4.9 नीचे और चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अभी, हाँ क्या हो गया बच्चों, एच प्लस 4.9, और अभी टाइम कितना लग रहा है बच्चों, हाँ 0.5 प्लस टी, तो क्या होगा बच्चों, जी इंटू 0.5 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर टू। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे बच्चों क्या हो जाएगा, एच एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 माइनस 1 करोगे क्या आ जाएगा, एच एच आवा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारा, आराम से देखो सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करो, देखो सर सॉल्व हो जाएगा, करो सबट्रैक्ट,
आराम से आ जाएगा मेरे हिसाब से। देखो टी की टी स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो टू टी का टर्म ही बचेगा, देख आराम से हो जाएगा। सब ट्राइड करो बच्चों। क्या? हाँ एस निगेटिव लेना पड़ेगा, दो साइड क्या आ जाएगा निगेटिव, माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जीरो पॉइंट टू फाइव, 0.25 प्लस टी ये आएगा ना 2ab। हाँ 9.8 इक्वल टू 9.8 कट जाएगा, मतलब टी प्लस 0.25 इक्वल टू 1, तो टी क्या आ जाएगा 0.75। क्या आ रहा है? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा 7.5, ये आ रहा है ना। सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा बच्चों, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. क्या सही कह रहा हूं मैं? क्या मैं सही कह रहा हूं? अरे भाई सब्ट्रैक्ट करो, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 4.9, उधर क्या आ जाएगा जी बाई टू, वो क्या होगा बच्चों देखो टी स्क्वायर रिटर्न कैंसिल, क्या होगा 0.25 प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या होगा 2 इंटू 0.5 इंटू टी, क्या आएगा आपका टी ही आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या होगा देखो, ये 2 × 4.9 क्या देगा 9.8। आप जी की वैल्यू 9.8 रखोगे ना तभी इजीली कटेगा ये, ठीक है ना। और इधर क्या आएगा टी प्लस 0.25, तो इधर तो क्या आ गया बच्चों 9.8 कट गया, क्या आ गया 1, तो टी माइनस 0.25 क्या देगा 0.75, ठीक है। अरे जी की वैल्यू तुम्हारा 10 रखते तो उल्टा सीधा आता है इसमें कुछ, ठीक है ना, डेसिमल में आता। अरे आ गई बात समझ में, 0.25 क्या होगा, 0.5 × 0.5 क्या होगा 0.25, 1/2 × 1/2 क्या होगा 1/4, हो गया। अरे हो गया ना बच्चों, तो अगर एच पता करना है तो टी की वैल्यू तो आ गई, पहले क्वेश्चन वैल्यू रख दोगे तो एच क्या आ जाएगा हाफ जी क्या बच्चों 9.8 × t² मतलब क्या है आपका 0.75 या 3/4 कह सकते हो ना उसको, इसका होल स्क्वायर। अरे ठीक है, अरे भाई टी की वैल्यू आ गई तो वैल्यू रख दोगे ना उसमें इक्वेशन नंबर 1 में तो आ जाएगा आपका। कंफ्यूज लग रहे हो, अरे सब्ट्रैक्ट कर दोगे भाई तो क्या आ जाएगा टी की वैल्यू क्या आ गई 0.75। एच पता करना था ना तुमको, तुमको तो अच्छी पता करना था ना, तो पहले क्वेश्चन वैल्यू रख दो तो क्या आ गया तुम्हारा एच आ गया 8 × 3/4 का होल स्क्वायर 0.56, नहीं कुछ 4.9 × करो 1 से ज्यादा आएगा दोस्त, 2. something कुछ आ रहा है क्या देखो। अरे भाई 4.9 × 0.75 × 0.75 कितना रहा है क्या? अरे कितना आ रहा है भाई अच्छी वैल्यू 4. अरे कैलकुलेटर है किसी के पास 2. ठीक है लिख दो, भरोसा कर लो भाई इस पर। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है अरे आ गया ना, अरे भाई आ गया तो। ठीक है किसी को डाउट तो नहीं है? सुनिधि भाई क्या डाउट है, डाउट किसी को? हाँ 4.9 से कम आएगा ना दोस्त, हाफ किए नहीं किए तुम, हाफ किए हो, हाफ इंटू जी क्या है 9.8 × t कितना किए हो इंटू 3/4 का स्क्वायर, तो ये 4.9 देगा ना दोस्त, तो 4.9 को एक से कम से मल्टीप्लाई करोगे जैसे बात है 4.9 से कम आएगा।
कैसे आ जाएगा, मैथ थोड़ी गलत हो जाएगी। पहले 4.9 को 0.75, 0.75 हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किए हो गया। अरे हो गया बच्चों, ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का। क्वेश्चन लिखो, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। हाँ टी इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। हो गया ये तो तुमको सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा इसमें, देखो भाई डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू रखना ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या सोचना है बच्चों, इससे कंफ्यूजन है ना भाई कि बहुत ऊपर आ रही नीचे आ रही। हाँ डिसाइड करना हो ऊपर कितने टाइम में पहुंचेगी बच्चों। अरे आपने यहाँ से क्या फेंका है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो ऊपर कितना टाइम पहुंचेगी बच्चों, टी इक्वल टू क्या होगा, यू बाई जी। अरे अभी तो निकाला ना कितना बच्चों, 20। अब टी की वैल्यू जी की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 10 लेंगे। यहाँ पर क्या 9.8 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 10 लेंगे, कितने का मल्टीपल है तो क्या आ जाएगा ये 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड पर बच्चों कहाँ पर होगी ये, यहाँ पर होगी। हाँ 2 सेकेंड पर क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम हाइट पर होगी। मतलब क्या डिस्टेंस, और 1 सेकेंड बाद बच्चों क्या होगी आपकी, और नीचे आएगी, हाफ भी नहीं आएगी, ठीक है ना। अरे आधी बात समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसे क्या पता करना होगा, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर होंगे भाई, नहीं होंगे भाई। अरे भाई बॉडी अपनी डायरेक्शन मोशन चेंज कर रही है बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। डिस्प्लेसमेंट तो आराम से निकल सकता है बच्चों, अब देखो ये मैं बताता हूँ तुमको, ये डिस्टेंस नहीं है क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। ये तो बच्चों आराम से आपका दे देगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट तो ये आराम से दे देगा बच्चों, कितना दे देगा, एस क्या है बच्चों तुमसे पूछा है, मान लो ऊपर की ओर है तो ये क्या मान लो प्लस, यू क्या बच्चों तुम्हारा ऊपर की ओर है तो क्या मान लो 20। टाइम कितना दे रखा है, 3। अरे टाइम कितना दे रखा है, 3। 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट पूछा ना तुमसे। ए क्या बच्चों तुम्हारे निगेटिव, हाफ इंटू 10 इंटू 10 कितना है, 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चों 60 माइनस बच्चों कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा ये 15 मीटर। ये क्या दिया तुमको, डिस्प्लेसमेंट दिया, क्या दिया बच्चों डिस्प्लेसमेंट दिया।
मतलब ये कौन सी डिस्टेंस होगी बच्चों, इसमें बनाओ फिगर में कौन सी डिस्टेंस होगी। दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। जो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया 15 मीटर ना ये आंसर भाई। ये तो डिस्प्लेसमेंट ही बताता है, डिस्टेंस डायरेक्ट कैलकुलेट हम कर नहीं सकते। ये 15 मीटर क्या होगा बच्चों, सोचो। यहां से होगा ना बच्चों, ये हाइट होगी ना। मुझे क्या पता करना है बच्चों, सोचो डिस्टेंस क्या होगी। ये होगी और ये होगी ना बच्चों। तो मैं क्या करूं, अगर मैं मैक्सिमम हाइट पता कर लूं बच्चों, मैं एच मैक्स पता कर लूं, तो ये आपका ये वाली आ गई, जाने वाली आ गई, और फिर ये वाली इतनी कितनी होगी बच्चों। एच मैक्स में क्या कर दूं मैं, 15 घटा दूं तो आ जाएगी, नहीं आ जाएगी वो ऊपर वाली। अरे भाई तुमको क्या पता करना है, टोटल डिस्टेंस। तो जाने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कितना हो गया तुम्हारा एच मैक्स। आने में तुम्हारा इतना कर रहा है, मतलब इतना तुमको और ऐड करना है। तो ये पूरा तो एच मैक्स है ना, इसमें से 15 घटा दोगे तो इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अरे ठीक है ना, तो कितना होगा तुम्हारा डिस्टेंस, कितना होगा बच्चों एच मैक्स। एच मैक्स प्लस एच मैक्स माइनस 15, अरे इतना होगा ना बच्चों, अरे इतना होगा। और एच मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। और एच मैक्स क्या है बच्चों आपका, यू स्क्वायर बाई मतलब 2 × u² / 2g माइनस, इसको इधर लिख लो, इधर लिख रहा हूं। डिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका, मैक्सिमम हाइट। डिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका, एच मैक्स प्लस एच मैक्स माइनस 15। तो क्या होगा बच्चों, 2h max - 15। 40 - 15 तो ये कितना आएगा बच्चों, 2u² / 2g - 15। अरे कर लोगे ना बच्चों, यू स्क्वायर की वैल्यू रखो, यू स्क्वायर बाई जी मतलब कितना है, 400 का स्क्वायर माइनस भाई 40 - 15 कितना आ गया ये, सही आ रहा है 25। कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्त, 440 सही आ रहा होगा, 15 से ज्यादा आ रहा है ना आपका। अरे 15 से ज्यादा ही आ रहा है, ठीक। अरे ठीक है, एक तरीका ये हो गया। आया भाई ध्वनित भाई समझ में, कैसे हुआ डिस्टेंस। हाँ तो ना बोल दे तो बेइज्जती हो जाएगी क्या तुम्हारे। डिस्टेंस एच 2h max, एच मैक्स प्लस एच मैक्स माइनस 15 कैसे आया, कैसे आया। हाँ एच मैक्स क्या है, हाँ कितना है, कहाँ से कहाँ तक। हाँ यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस पता करना है तुमको, मतलब तुमको इतना पता करना है और इतना ऐड करना है, यही तो हुआ तुम्हारा डिस्टेंस। अब ये पूरा देखो कितना है तुम्हारा एच मैक्स है, इसमें से 15 घटा दोगे, ये वाला कितना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना। तो ये क्या है तुम्हारा एच मैक्स माइनस 15, वही तो है, और ये तो एच मैक्स तुम्हारा जाने में किया, दोनों को ऐड कर दिया, अभी भी नहीं आया आगे। एक तरीका और हो सकता है, हाँ बताओ। हाँ देख लेते हैं, हो सकता है यहां से यहां पर देखो, हो सकता है देखो यहां से यहां में अगर देखें, क्या ये हाफ डिस्टेंस है क्या, यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना वो, यहाँ पर स्पीड ज्यादा ना देगी, सोचो जाहिर सी बात है इस 1 सेकंड के इंटरवल में क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
अरे ठीक है ना, आई बात समझ में। इसीलिए मैं कह रहा था हाफ नहीं है वो। ये एच मैक्स बाई टू नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है? ये दोनों बराबर होंगी, बट ये आधी नहीं होगी बच्चों, इधर आगे ज्यादा होगी, क्योंकि इधर 1 सेकंड में स्पीड ज्यादा है बच्चों, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कि ऊपर वाले 1 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे भाई स्पीड कम होती जा रही है ना, ऊपर जा रहे हो, स्पीड एक समान होती तो इक्वल ट्रेवल करता। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ही क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बट यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है क्या? नहीं। हो गया, क्या लिख लिया? एक तरीका और हो सकता है। अरे भाई एक तरीका और तो ये लिख लिया ना था। ठीक है देखो भाई, टोटल डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? एच मैक्स, अरे होगी ना बच्चों, एच मैक्स कितना आएगी बताओ? यू स्क्वायर बाई टू जी। यू कितना बच्चों? 20 20 का स्क्वायर बाई 20, तो कितना आएगा बच्चों ये? 20 20। एच मैक्स कितना है आपका? 20। 20 आया। ये आपका 2 सेकंड में इतना जा रहा है बच्चों, कितना जा रहा है? 20। अब देखो इतना डिस्टेंस बच्चों और एक तरीके से कर सकते हैं। टाइम कितना ले रहा है इसमें? 1 सेकंड और ले रहा है। अरे 1 सेकंड और ले रहा है ना बच्चों, तो देखो यहाँ पर इस डिस्टेंस के लिए ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी डाउनवर्ड मोशन हो रही है बच्चों, हाँ सारे को पॉजिटिव में ले लो डाउनवर्ड को। यू क्या बच्चों? यहाँ पर देखो यू क्या है? 0। हाफ इंटू जी क्या बच्चों आपका? 10। टी कितना है? 1 सेकेंड। तो कितना चल रहा है बच्चों? 5 मीटर चल रहा है बस। ध्यान दो, इसका मतलब सिर्फ 1 सेकेंड में बच्चों कितना चल रहा है? 5 मीटर चल रहा है, 15 मिनट इतना चल रहा है। ठीक है तो आज पूरा में ठीक है ना, यूनिफॉर्म नहीं ट्रेवल कर रहा बच्चों। देखो कितना चला बच्चों? ये 5 चला, तो ये कितना हुई? 5 हुई। और इधर कितना चला था? 20। 20 और 5 क्या कितना हुआ? 25। तो दोनों को ऐड कर दो तो फिर भी क्या आ जाएगा? अरे आगे बस समझ में, क्या टाइम हो गया? ज्यादा हो गया। अच्छा सवाल 4 चलती है ना। ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसे क्वेश्चंस। होमवर्क करके आना, कर लिया ना? ठीक है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले भी कर लेना। एक क्वेश्चन सुन लो, ये लिख लो। तो ये लिख लिया है ना, कोई लिख रहा है तो लिख लो इसको। देखो जितने भी मेथड है आप सोच सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ठीक है ना हाई प्रेशर सिचुएशन होती है, जर्नी कौन सा दिमाग में आ जाए? अरे आपको सोचना आना चाहिए, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हाँ देखो उसमें सर टॉपिक दिया होगा। हाँ हाँ फ्री फॉल। ठीक है देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो ठीक है ना, तुमसे ये पूछेंगे, यही क्वेश्चन सोचो, तुमसे ये पूछेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। पूछेंगे तुमको देखो जो nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला पढ़ा था ना तुमने, हाँ nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला, तुमसे ये पूछेंगे कि 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एंड 3 फुट करो गड़बड़ आएगा। 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 3rd सेकेंड का मतलब क्या? कितना से कितना हुआ बच्चों? अच्छा अरे 2 से 3 कितना हुआ बच्चों? हाँ मतलब क्या कर रहा है बच्चों ये? 2 से 3। 2 सेकेंड नहीं, ऐसा कह दो आप, ऐसा कह दो ये आपका 2.5 से 3.5, ऐसा कह दो, सॉरी 1.5 to 2.5। ऐसा कह दो। तो अभी देखो ये आपका ये 1.5 से 2 के बीच कहाँ जाएगा बच्चों? ये यहाँ पर जाएगा। अरे कहाँ पर जाएगा? ये यहाँ पर जाएगा। और फिर आपका हाफ सेकंड में क्या होगा बच्चों? नीचे आएगा। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को तुमको ऐड करना होगा, ठीक है ना, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना होगा। और एक और बात समझ लो, ये जो बच्चों पाथ्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना जाने में कितना टाइम लिया बच्चों? यू बाई जी लिया।
और लौटने में कितना टाइम लिया, यू वाई जी लिया। यहां से यहां पर मान लो अगर तुम्हारा एस ले रहा है तो यहां से यहां भी बच्चों क्या लेगा, तुम्हारा एस ही लेगा। मान लो यहां से यहां तक एस डैश ले रहा है तो यहां से यहां भी क्या लेगा, एस डैश लेगा। कभी इस इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा यूज करते हैं। एक क्वेश्चन शायद मैंने लिखा था, मैं मुझे मिल नहीं रहा था। इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं कि दोनों बच्चों लौटने वाले और जाने वाले दोनों पाथ क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। यहां से यहां तक जितना टाइम लेगा वहां से यहां तक भी इतना ही टाइम लेगा बच्चों। अरे ठीक है ना, तो जाने वाले और लौटने वाले पाथ क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं इन एवरी रेस्पेक्ट। बट अंतर क्या होता है, यहाँ पर मोशन की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है बस। अरे ठीक है ना, मान लो यहां से यहां तक बच्चों 1 सेकंड में एस डैश चल रहा है तो लौटने में भी क्या चलेगा, एस डैश चलेगा 1 सेकंड में। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए तुमको अगर मॉड्यूल में। किसी को और कुछ डाउट है आज की क्लास में?